अपने जनपद में अपने नेता आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए इस धरती पर एक बात याद दिलाते हुए भाभी क्षेत्र में जो ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्रणाम घोषी यहाँ उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का हम हृदय से कोटि कोटि नमन अभिनंदन करत हैं। घोषी के महान धरा को नमक घोषी की महान धरा को हम नमन करत हैं। आज आप सबन का जोश और उत्साह देख के लगत बा कि घोषी का धरती घोषणा कि घोषी की धरती घोषणा कई दिलहेबा की 4 जून के ई तानाशाही सरकार जात बा। तमाम चौराहे कार्यक्रमों के बीच गोरखपुर दस्तक की टीम पहुंची है। बगल में आपको डिंपल भाभी बोलते हुए दिख रही हैं। सबसे खास अंदाज दिखता है क्योंकि जब इस क्षेत्र में आती है तो भोजपुरी से बात करती हैं, यहाँ भी वो भोजपुरी में बातें कर रही हैं। मैं आपको साफ दिखाना चाहता हूँ कि भीषण गर्मी के बावजूद लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन जब वो भोजपुरी मन से बोल रही हैं तो एक अलग माहौल यहाँ पे बनता नजर आ रहा है। आप वीडियो में लगातार देखते रहिएगा, बाकी आपको हम दिखाते हैं अंदर में कैसी रैली हो रही है और कितनी भीड़ यहाँ पे है, किस तरीके से भीड़ आगे बढ़ गई है और तमाम यहाँ पे जगह खाली है। लेकिन उसी बीच आपको एक चुनावी चीज दिखाएंगे, बगल से तालियां भी बज रही हैं, बगल में आपको तमाम झंडे भी दिखा देंगे चाहते हैं क्योंकि गठबंधन हुआ है और इस वजह से यहाँ पे कांग्रेस के भी झंडे दिखेंगे, आपको SBSP यानी सुहेलदेव स्वामीयन पार्टी के भी झंडे दिखेंगे और साथ ही भाकपा यहाँ पे समर्थन दे रही है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पे समर्थन दे रही है। तो तमाम तरह के यहाँ पे अलग अलग रंग दिखाई देने को मिल रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद लोग आ रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है और लोग बैठ के देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आगे मंच पे डिंपल भाभी भी हैं। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अभी बोल रही हैं। लेकिन उसी बीच मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने उम्र की महिलाएं यहां भी पहुंच रही हैं। आप देखिए, दिखा दीजिए धनंजय वहां से कि किस तरीके दिखाई दे रहा है, दिखाइए किनारे से, ऐसे दिखा दीजिए आगे लड़ के। तो ऐसी उम्र की महिलाएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। आखिरी चरण होने जा रहा है, देखिए किस तरीके से रैलियां हो रही है, लेकिन रैलियों में देखने के लिए छोटे बच्चे यहाँ पे चढ़ गए हैं। दिखाइए किस तरीके से, क्यों चढ़े हो, क्यों चढ़े हो, क्यों चढ़े हो आजकल भाभी को देखने के लिए? बड़े नेताओं के पास में पढ़ते हो, मन से बोले कुछ नहीं है देखने के लिए। कब से आए थे यहाँ पे? 10 सालों की वजह से। जो अपनी वजह से, जो आज 12 बजे से जगाने का काम किया। अच्छा, देखो देखो पहले सभी ध्यान से, लेकिन सभी देखिए किस तरीके से यहाँ पे बच्चे चढ़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग कैसे बैठे हैं यहाँ पे, आपको साफ दिखाना चाहता हूँ। आपने देखा किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन जो आगे भी आप देखिए आप किस तरीके से रैली में भीड़ आई है। लेकिन इसी बीच अलग अलग पार्टी के झंडे भी आपको दिख रहे होंगे, साथ ही कुछ बच्चे हैं जो ऊपर भी चढ़े हुए हैं और इतनी भीड़ आई है लोगों के मोबाइल खुल गए हैं, लोग कहीं ना कहीं डिंपल भाभी को अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उसी बीच हम पहुंचे हैं क्योंकि आगे हम लोग थे तो इतनी भीड़ थी और इधर से हमने सोचा कि किनारे से निकला जाए, किनारे से दिखाया जाए, बगल से आवाज आ रही है। लेकिन उसी बीच हम जनता के उन बातों को देखेंगे कितनी भीड़ बगल से आवाज आ रही है। की जरूरत बा आजकल ई डबल इंजन जो है ना, ई डबल इंजन में खूब टकराव बा। क्या बा? टकराव बा। ऐसे बच के रहने के जरूरत बा कि दोनों मिलके कब एक्सीडेंट कर दियो के जानत बा, सावधान रहने के जरूरत बा, सावधान रहने की जरूरत बा। आपन बच्चा बच्चन की, आपन के बच्चा बच्चन के का चाही नौकरी की जुमला, आपके महंगाई का भोजा चाही कि महंगाई से मुक्ति,
किसान भाई के फसल का दाम चाहिए कि सरकार का लाठी? किसान की फसल का दाम चाहिए कि सरकार का लाठी? जनता के वोट के बदले रोज हाथ चाहिए कि रोजगार चाहिए? आने वाले 1 तारीख के घोसी वालों साइकिल का बटन दबा के लोकतंत्र के जिता दिया कि नहीं? संविधान के बचा लिए, अपने बाल बच्चन के भविष्य खातिर ज्यादा से ज्यादा वोट से जिता दिया? किसे जिता दिया? तो मुझे पूरा भरोसा है जो उत्साह, जो समर्थन, जो आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे राय साहब राजीव राय जी के साथ आप सबका है, और पूरी पार्टी जो आज उपस्थित है इस मंच पे और छोटे मंच पे उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ताओं का है, तो परिणाम ऐतिहासिक होने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो चुनाव का आखिरी चरण बचा है, चुनाव का आखिरी चरण होने जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ा आगे, बताइए भाजपा वालों के पसीने निकले कि नहीं निकले? आज भाजपा के बड़े नेताओं के पास मन से बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो पिछले 10 सालों में जो उम्मीद, जो आशा जगाने का काम किया था, इन सभी उम्मीदों पे, इन सभी आशाओं पे पानी फेरने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने किया है। भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने मिलकर पूरे देश की उम्मीदों पे, सपनों पे, आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है, और इनकी तृष्णा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये चाहते हैं कि तीसरी बार भी सरकार बनाए। लेकिन किस खातिर ये सरकार बनाएंगे जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जब आज महंगाई से हमारी माताएं बहने, हमारा किसान सब त्रस्त हैं, और बताओ अग्निवीर जैसी योजना लाके इन लोगों ने देश का सम्मान गिराने का काम किया कि नहीं किया? इन्हें किसी के सम्मान से मतलब नहीं है, ये अहंकारी लोग हैं, इन्हें किसी के सम्मान से मतलब नहीं है, ये नहीं चाहते कि युवाओं का भविष्य उज्जवल बने। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए, और कितनी बार पेपर लीक हुए? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। और अगर इनकी सरकार आती है तो ये जो श्रृंखला है ये ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश परिवर्तन और बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और देश में नया सूर्योदय होने जा रहा है, और इस सूर्योदय से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे किसानों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारी माताओं बहनों का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि गठबंधन की सरकार और समाजवादी पार्टी की जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो हमने काम करके दिखाया है, युवाओं को रोजगार दिया है, भर्तियां दी है, लैपटॉप दिया है, पेंशन दी है, और आने वाले गठबंधन की सरकार बनने में हम अपनी महिलाओं को 1 लाख रुपए की पेंशन देने का जहां काम करेंगे, वही जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम भी किया जाएगा। और ये रिक्त पद क्यों नहीं भर रहे आपको पता है? ये रिक्त पद सरकारी नौकरियों के क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, या ये सरकारी नौकरी निकाल के पेपर क्यों लीक कर देते हैं? क्योंकि संविधान के माध्यम से जो आपको आरक्षण का हक मिला है, कहीं ना कहीं साजिश है इन लोगों की कि ये इसको भी बदल दे। तो ये लड़ाई जहां संविधान को बचाने की लड़ाई है, जहां लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वही ये लड़ाई अब सम्मान की लड़ाई भी है, और सभी समाजों के सम्मान की लड़ाई है। आज युवा परेशान है, आज हमारे बुनकर भाई परेशान है, आज हमारा किसान परेशान है,
आज हमारे मजदूर परेशान है, बताओ कौन बच गया? माताएं बहनें परेशान, किसान परेशान, कौन बच गया? और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक एक वोट जहां समाजवादी पार्टी को सींचने का काम करेगा, जहां आप सब समाजवादी पार्टी को सींचेंगे, को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मंच पर उपस्थित सभी नेतागण भी इस समाजवादी पार्टी को सींचने का काम करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई अब समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई है। और अगर राजीव राय जी संसद तक पहुंचते हैं तो इससे बताइए समाजवादी पार्टी मजबूत होगी कि नहीं होगी? तो आप सब मुझे वचन दीजिए, तो आप सब मुझे वचन दीजिए कि आप एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देंगे कि नहीं देंगे?